आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। साइबराबाद माधापुर एडिशनल डीसीपी गंगे रेड्डी को एक शख्स को मारना पीटना महंगा पड़ गया। तफसीलात के मुताबिक योगी नामी शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर है। ये किसी खातून से काम दिलाने के बहाने कुछ रुपये लिया था, उसके बाद उस लड़की के साथ बदसलूकी करने लगा था और काम भी नहीं दिला रहा था। इसी की शिकायत लेकर वो साइबराबाद शी टीम पर पहुंची और शिकायत की। कुछ दिन तक शी टीम की जानिब से कार्रवाई हुई, लेकिन ये कार्रवाई कुछ खास नहीं थी। यानी योगी अपने रुसुखात बताकर घुमाने फिराने लगा। उसके बाद एडिशनल डीसीपी गंगी रेड्डी माधापुर को ये रिपोर्ट पहुंची। गंगी रेड्डी ने ओवर एक्शन करते हुए योगी को स्टेशन में मारने पीटने लगे और ये वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद साइबराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शंडिलिया ने आनन फानन में एडिशनल डीसीपी माधापुर गंगी रेड्डी को कार सिटी हेडक्वार्टर को ट्रांसफर कर दिया। नाजरीन, योगी की चाहे जो भी गलती हो, लेकिन उसके साथ मारपीट ये गलत है। पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये कार्रवाई जो साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने की, इससे और ऑफिसरों के होश और दूसरे ऑफिसर शायद सुधर के काम करेंगे, क्योंकि सजा देना कानून का काम है, पुलिस का काम उसको मारना पीटना नहीं। कुछ ऑफिसर अपने आप को हीरो समझते हैं और किसी गरीब को मारना पीटना अपना फर्ज समझते हैं कुछ ऐसे ऑफिसर। बहरहाल, इस कदम से तेलंगाना की पुलिस शायद अब होश में आएगी। देखना है कि आगे गंगी रेड्डी का देखना है कि आगे साइबराबाद पुलिस कमिश्नर क्या कार्रवाई करते हैं। मोहम्मद अतीक के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।